हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसमें मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से एक्यूरेट आउटलाइंस को ड्रॉ कर सकते हो पोर्ट्रेट्स के लिए। सो सबसे पहले मैं जो ऐप यूज़ करता हूं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सो मैं यूज़ करता हूं ग्रिड मेकर ऐप। सो आप किसी भी एप्लीकेशन से ग्रिड्स ड्रॉ कर सकते हो अपनी रेफरेंस इमेज पर। सो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं गैलरी से जो हमें पिक ड्रॉ करनी है। सो मैं आज ये वाली पिक ड्रॉ करूँगा। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सो इससे जो हमारी लाइंस है वो फाइन हो जाएंगी। आप देख रहे हो काफ़ी फाइन हो गई, थिकनेस कम हो गई। और ये A4 साइज़ है। सो इसके लिए मैं 15 सेलेक्ट करता हूँ हमेशा। सो 15 सेलेक्ट करने पे आपको वर्टिकली 30 बॉक्सेस मिल जाएंगे, सॉरी 15 बॉक्सेस मिल जाएंगे 2 सेंटीमीटर के। और इससे मैंने कलर चेंज कर दिया ब्लैक एंड वाइट, और इससे स्क्वायर मोड पे आपको हमेशा इसे रखना है। सो आप देख रहे हो इस तरह से आपको बॉक्सेस क्रिएट करने हैं अपनी शीट पे भी। सो आप इस तरफ आप देख रहे हो 22 है, बट हम 21.5 ही क्रिएट करेंगे। और नीचे की तरफ वर्टिकल आपको 30 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, बट हमारी शीट पे 30 से हल्के से कम रहेंगे बॉक्सेस। सो फ्रेंड्स, अब हम स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे। और जितने भी बॉक्स से हम एक बॉक्स की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर की रखेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं मार्क कर लेता हूँ 2 सेंटीमीटर बॉक्सेस ड्रॉ करने के लिए। सो ये हमने 15 बॉक्सेस के लिए ड्रॉ कर दिया है वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं ये लाइंस को मार्क कर ले रहा हूँ। सो अब हम ऊपर की तरफ भी मार्क कर ले रहे हैं, और सेम उसी तरह से नीचे की तरफ भी, और सेम इसे भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। सो आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट में आपको हाफ मिला है, 11 आपके पूरे नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो A4 शीट है वो हल्की सी छोटी होती है। तो इसलिए हम एक साइड में हल्का सा कम ही रखेंगे। और मैंने 1, 2, 3, 4 भी मार्क कर दिया है, और नीचे की तरफ भी। सो नीचे की तरफ हमारी 15 तक डिजिट्स आएंगी। सो अब हमें क्या करना है कि अपनी रेफरेंस को जूम कर लेना है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम बॉक्स जो ले रहे हैं वो है 2 सेंटीमीटर का। सो इस तरह से स्केल की हेल्प से आपको जूम करके चेक कर लेना है, और 2 सेंटीमीटर पे आपको जूम करके उसे स्टॉप कर देना है। सो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर करने के लिए। सो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। सो अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना। सो हम देख रहे जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम था वो हमें पूरा हमारा नहीं था, वो हाफ ही था। इसलिए मैं फर्स्ट हाफ़ को छोड़ के सेकंड वाले, ये हमारा हाफ है ये जो कॉलम है, और ये सेकंड वाला पूरा, और उसके बाद वाले से हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेफरेंस इमेज को ड्रॉ करना। सो थर्ड वाले कॉलम से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो सेम आपको इसी तरह से बॉक्स को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ करना है कहाँ से हमारी लाइंस क्रॉस होगी। सो जब आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, आपको काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आप सही ड्रॉ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और आपको फाइन मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करनी है लाइट ग्रेड की, क्योंकि आप ज़्यादा डार्क अगर रखोगे तो आपको अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसे इरेज करोगे तो, और वहाँ पर आपके मार्क्स रह सकते हैं। सो आपको HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, लाइट और फाइन। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एंड स्क्रीन में एक वीडियो दूंगा जिसकी हेल्प से आप बिना इस तरह से ग्रिड लाइंस ड्रॉ किए भी ग्रिड मेथड को यूज़ कर सकते हो। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप वो ज़रूर देखना। लास्ट में मैं उसका कार्ड में लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है रेफरेंस को देख देख कर। और फ्रेंड्स, अगर आप फ़ोन से नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप अगर प्रिंट आउट करके उस पर मैनुअली अपने हाथों से इस तरह से ग्रिड लाइंस ड्रॉ करके और फिर उस रेफरेंस इमेज से भी ड्रॉ कर सकते हो ग्रिड मेथड की हेल्प से। उससे आपको और भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो आपका जो पेपर का साइज़ है और जो आपकी शीट है वो दोनों सेम साइज़ की रहेगी। सो आप काफ़ी इजीली उससे देख कर भी ड्रॉ कर पाओगे। सो आप देख लो, मैं आईज, नोज़ ये सारी चीज़ें अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हम ग्रिड मेथड तो यूज़ कर रहे हैं बट हमें फिर भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको कुछ एक और टेक्निक बताऊंगा। सो हमने पूरा ड्रॉ कर लिया आउटलाइंस।
सो फेस के लिए फ्रेंड्स हम अगर डायगनल्स यूज़ करेंगे सो हम यहाँ से डायगनल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं इस ऐप में। सो अब देखो डायगनल्स आ गई है हमारी रेफरेंस इमेज में। सो सेम उसी तरह से हम डायगनल ग्रिड्स को फेस में लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। सो इस तरह से आपको डायगनल्स ड्रॉ कर देनी है। सो वीडियो को मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पे। सो आपको इस तरह से डायगनल ग्रिड्स ड्रॉ कर लेने हैं। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपकी जो नोज़ आइज लिप्स इनकी जो पोजीशन है वो एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। सो अब मैं आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मुझे एग्जैक्ट पता है कि आइज़ कहाँ पे हमारी लोकेट होगी। सो उस एरियाज़ पे मैं आइज़ को लोकेट कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ करते हो और फिर भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप इस तरह से डायगनल ग्रिड्स ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह से फ़ोन से अगर ना मिले एग्जैक्ट रिजल्ट्स तो फिर आप रेफरेंस को प्रिंट आउट करवा के उस पर डायगनल्स ग्रिड ड्रॉ करके या फिर ग्रिड्स ड्रॉ करके उससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको काफ़ी फाइन डिटेलिंग वाला वर्क करना है तो आप ये जो ग्रिड्स के बॉक्सेस हैं इसे आप 1 सेंटीमीटर का लेकर अपनी रेफरेंस को काफ़ी ईजिली ड्रॉ कर सकते हो और आपको डिटेलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो साथ ही साथ मैं आपको टिप्स भी बताता जा रहा हूँ कुछ कुछ जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है। सो अब देख रहे हो मैं आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम इसी तरह से मैं दोनों आइज़ को ड्रॉ करूँगा और फिलहाल मैं लाइट रख रहा हूँ ज़रा। और फ्रेंड्स एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि सपोज़ आप आउटलाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो आउटलाइंस ड्रॉ करने के बाद आपकी जब आउटलाइंस कंप्लीट हो जाए तो आप उसे रख दो और 10 मिनट के बाद आके फिर से आप उसे ऑब्जर्व करो और रेफरेंस के साथ मैच करो। सो फ्रेंड्स जब आप उसे मैच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पर फिर से नज़र आएंगे और आप उसे फिर से रिफाइन करके अपने जो स्केच की आउटलाइंस ड्रॉ किए उसे और भी इम्प्रूव कर सकते हो। और फ्रेंड्स जब आप आउटलाइंस को ड्रॉ करो तो आपको जहाँ पे हाईलाइट वाला एरिया दिखे सो आप उसे भी पेंसिल से मार्क कर ले उन एरियाज़ को। सो जहाँ पे हाईलाइट वाला एरिया है उसे भी आप मार्क कर लें, जहाँ मिड टोन्स वाला एरिया है उसे भी आप मार्क कर लें और जो डार्कर एरिया है उसे भी आप मार्क कर लें। सो इससे आपको शेडिंग में काफ़ी आसानी होगी। आपको पता है क्योंकि आपको किन एरियाज़ पे लाइट रखना और किन एरियाज़ पे डार्क। सो मैं इसी तरह से एरियाज़ को डिवाइड भी कर लेता हूँ जैसा कि आप देख रहे होंगे जहाँ पे नोज़ के पास आपको हाईलाइट दिख रही है। सो वहाँ पे मैंने एक एरिया मार्क कर दिया कि यहाँ पे हमारी हाईलाइट है। सो सेम इसी तरह से मैं जब आउटलाइंस को ड्रॉ करता हूँ तो मैं उन एरियाज़ को भी मार्क कर लेता हूँ और साथ ही साथ जहाँ पर हमारे डार्कर रीजन्स हैं उन एरियाज़ पे हल्की हल्की शेडिंग कर देता हूँ जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये एरिया मेरा डार्क रहेगा और ये एरिया लाइट। सो ये कुछ टिप्स है और ट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ एक्यूरेट ड्राइंग्स के लिए। सो अब देख रहे हो हमारी जो आउटलाइंस है वो सारी कंप्लीट हो गई। मैं हल्की हल्की सी शेडिंग कर रहा हूँ जिससे मुझे पता रहे कि यहाँ हमें डार्क रखना है और लास्ट में मैं स्केच को ज़रा और डार्क करूँगा जिससे ये आपको और क्लियरली विजिबल होगा। सो फ्रेंड्स लिंक मैं दे दूंगा इस ऐप का भी डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहाँ से इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हो और अदर ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं एंड स्क्रीन दूंगा उससे आप ज़रूर अब देखना उससे आप बिना ग्रिड लाइन ड्रॉ किए किस तरह से आप ग्रिड मेथड को यूज़ करोगे मैं वो बताऊंगा और आपका उससे काफ़ी टाइम भी सेव हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छी वीडियो और आप उसे ज़रूर चेक करना। सो उसमें मैंने शाहरुख खान को ड्रॉ किया था। सो फ्रेंड्स उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको और भी काफ़ी टाइम आपका सेव होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो भी समझ में आ गई होगी और ये सारे स्केचेस आपने अभी तक नहीं देखे तो इन्हें भी चेक कर लें। सो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।